हेलो चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में हम प्रोनाउंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको प्रोनाउंस सिखाए थे, पर्सनल प्रोनाउन, और ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस प्रोनाउंस। अब प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन किस किस के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि ये आई, मी, वी, अस, ये मैस्कुलिन यानी कि मेल, जैसे बॉय है, फादर है, ग्रैंडफादर है, और फेमिनाइन जैसे मम्मी, सिस्टर, डॉटर, उन सब के लिए, दोनों के लिए ही, चाहे कोई भी बोल रहा हो, चाहे मैं जैसे टीचर लेडी हूँ, मैं बोल रही हूँ, आपके पापा बोल रहे हैं, तब वो भी, तो यही यूज़ करेंगे, कोई फ़र्क नहीं होता इनमें, दोनों के लिए यूज़ होता है। चाहे आपके पापा कहें आई एम ए मैन, चाहे मैम मैं कहूँ आई एम ए वुमेन, तो आई ही यूज़ होगा। चाहे आप बॉयज़ हैं, आप कहें वी आर बॉयज़, वी ही आएगा, वी का मतलब हम होता है। और चाहे गर्ल्स कहें, हम गर्ल्स हैं, वी आर गर्ल्स, वी ही यूज़ होगा। इसके बाद यू, यू का मतलब तुम होता है, तो ये भी दोनों पे यूज़ होता है। चाहे अब बॉय को कह रहे हो यू आर ए बॉय, चाहे गर्ल को कह रहे हो यू आर ए गर्ल, तो यू ही यूज़ होगा। लेकिन ही, हिम, ये एक के लिए आते हैं, और ये मैस्कुलिन यानी कि मेल के लिए आते हैं। ही इज़ ए डॉक्टर, अगर वो मेल डॉक्टर है। ही इज़ ए बॉय, ही इज़ द बैंक मैनेजर। और अगर बहुत सारे हैं तो दे आता है, मैनी के लिए दे आता है, दे आर बॉयज़, दे आर गर्ल्स। यहाँ पर ये मैस्कुलिन आप देख रहे हो, अगर बहुत सारे होते हैं, मैनी होते हैं, चाहे फेमिनाइन हो तब भी दे आएगा, और चाहे कोई एनिमल्स, बर्ड, बेजानदार चीज़ें हों, नॉन लिविंग थिंग्स, तब भी दे आएगा। जब ज़्यादा होते हैं कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर एक की बात कर रहे हैं तो एक मेल के लिए ही आएगा, और फीमेल के लिए शी आएगा, और एनिमल, बर्ड, थिंग्स के लिए इट आएगा। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, यहाँ पर ये प्रैक्टिस है, आप मुझे बताइए। जैनी डांसेस वेरी वेल, तो हमें यहाँ प्रोनाउन हमें यूज़ करने हैं। अब जैनी गर्ल है, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए? शी। अब जैनी हटाएंगे और शी लिखेंगे, और आगे का सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। शी डांसेस वेरी वेल। मिस्टर कालरा गोज़ टू द मार्केट। मिस्टर तो मैन से, मेल से पहले लगता है, तो मिस्टर कालरा के लिए क्या आएगा? ही आएगा। ही गोज़ टू द मार्केट। अगर ये मिसिस कालरा होता तो यहाँ पर शी लगाते। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं थर्ड सेंटेंस, स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स यानी कि ज़्यादा, मैनी के लिए है। और मैनी के लिए तो हमने आपको बताया कि चाहे मेल हो, फीमेल हो, सबके लिए दे आता है। दे विल गो फॉर ए पिकनिक। नेक्स्ट सेंटेंस, बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क। अब बेबी में तो ये पता नहीं चलता है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो इसलिए इट लगाते हैं। तो यहाँ बेबी हटा के इट आ जाएगा। इट इज़ क्राइंग फॉर मिल्क, आगे सेम रहेगा। अलार्म क्लॉक रिंग्स एट 6:30 AM डेली। अलार्म क्लॉक एक नॉन लिविंग थिंग है, बेजानदार चीज़ है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इट लगाते हैं। इट रिंग्स एट 6:30 AM डेली। बॉयज़ गेव द गर्ल्स सम फ्लावर्स। बॉयज़ देखिए ज़्यादा हैं, और ज़्यादा के लिए तो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, दे ही आता है। दे गेव द गर्ल्स सम फ्लावर्स। नाउ सम मोर एक्सरसाइज, गीता डांसेज वेरी वेल। अब गीता आप जानते हैं गर्ल है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? शी। आगे का सेंटेंस आपको पूरा वैसे ही लिखना है, शी डांसेज वेरी वेल। राहुल, राहुल इज़ ए बॉय, और बॉय के लिए क्या लगाते हैं? ही। तो क्या बनेगा? ही गोज़ टू हिज ऑफिस। नाउ नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन देखो, एक एक बच्चे की तो चाइल्ड होती है। चिल्ड्रन का मतलब मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे। और ज़्यादा के लिए, मैनी के लिए हमेशा क्या आता है? दे। ये आप याद रखिए। देखो कितनी इजी बात है ना, ज़्यादा है तो चाहे मेल हो, फीमेल हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, फ्लावर्स हो, थिंग्स हो, कुछ भी हो, सबके लिए दे आता है।
नाउ नेक्स्ट वन, माई डॉग बार्क्स अ लॉट. डॉग एनिमल है तो इसके लिए इट आएगा. आगे का सेंटेंस एज इट इज़ राइट करना है. माई फ्रेंड्स एंड आई, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ फ्रेंड्स के साथ आई भी लगा है. अगर आई आ गया है तो हम इसका दे नहीं कर सकते, अब हमें वी ही करना होगा. ओके, नाउ सम मोर एग्जांपल्स. इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे, श्वेता लाइक्स एप्पल्स, ईट्स वन एप्पल एवरी डे. अब ये कौन ईट करता है एप्पल एवरी डे? श्वेता, और श्वेता गर्ल है तो यहाँ पे क्या लगाना चाहिए हमें? शी. मिस्टर शर्मा इज़ माई टीचर, टीचेज मी इंग्लिश. मिस्टर है ये, मिस्टर शर्मा, मिस्टर मेल से पहले आता है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ही. अ कैट लाइक टू ड्रिंक मिल्क. अब कैट एनिमल है और एनिमल के लिए क्या लगाते हैं? एनिमल के लिए इट आता है. इट ऑल्सो लाइक्स माइस. सिया एंड दिया वेंट टू द पार्क. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर टू गर्ल्स हैं, सिया एंड दिया, प्लेड देयर, वहाँ वो खेली. तो एक से ज़्यादा के लिए, अभी हमने क्या बताया, मैनी के लिए हमेशा ही दे आता है. आपको सोचना ही नहीं है कि ये मेल है फीमेल है, एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं कोई भी है, सबके लिए दे आएगा. माय मदर कुक्स फूड. तो मदर के लिए क्या आना चाहिए बताइए? अब तो आपको आ गया होगा ना समझ में, शी. तो ये आपने इतनी सारी प्रैक्टिस करी है. अब इसमें जल्दी से बता दीजिए, व्हाट इज़ नेम? दूसरे से तो पूछोगे ना, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें क्या आएगा? योर. इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब अगर गर्ल है तो क्या आना चाहिए इनमें से? शी. आर गुड प्लेयर्स. आप देखो यहाँ प्लेयर्स लिखा है, ज़्यादा के लिए आता है और ज़्यादा के लिए या तो वी आएगा या फिर दे आएगा. तो हमें क्या लगाना चाहिए यहाँ पर? तो हम यहाँ पर वी लगा देते हैं. वी आर, अब दे भी लगा सकते थे आप, दे आर गुड प्लेयर्स, ये भी चल जाएगा इसमें. वे अच्छे प्लेयर्स हैं, हम अच्छे प्लेयर्स हैं, ये भी इसमें चलेगा, दोनों इसमें आ सकते हैं. अब नेक्स्ट देखेंगे हम. नाउ फोर्थ, व्हाट आर डूइंग हियर? क्या कर रहे हो यहाँ पर? किससे पूछ रहे हैं हम? दूसरे से तो पूछेंगे ना, तो यू आना चाहिए. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टुडे. एम के साथ तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एम के साथ तो हमेशा और हमेशा ही आई का यूज़ होता है. आई एम गोइंग टू मुंबई टुडे. आर लर्निंग आर लेसन्स. अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको इसमें बताया था कि चाहे वी लगाइए या दे लगाइए, तो इसमें दोनों आ सकते हैं. लेकिन जब हम ये वाला सेंटेंस देखते हैं, आर लर्निंग आर लेसन, तो यहाँ आवर आ गया. आवर का, आवर वी की फॉर्म होती है, तो जब इसमें आवर आ गया, यहाँ दे नहीं लग सकता. ये तो नहीं कह सकते हैं वे हमारा लेसन लर्न कर रहे हैं, हम अपना लेसन लर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए वी ही आएगा. अब ऐसे सेंटेंसेस में कभी मिस्टेक नहीं निकाली जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों आ सकते हैं और इसमें चाहे आप दे भरिए चाहे वी भरिए, ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है. और इस वाले में लेकिन यहाँ पर हमें अवर होने की वजह से वी ही फिल करना होगा. आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, आपको पूरा प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. आपको मेरा पढ़ावा अच्छा लगा है ना, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.